तो आपने बहुत सारे वीडियोस में देखा होगा कि वहाँ पर चुंबक से, देखो स्पीकर का जो चुंबक होता है ना, इस चुंबक से यहाँ पर सिंपल से वो बल्ब जला करके दिखा देते हैं। तो मतलब मुझे भी इस चीज़ के बारे में नहीं पता कि आखिर क्या ये चीज़ सच में होती है, क्या सच में इस चुंबक से ये बल्ब जल सकता है या फिर नहीं जल सकता। तो अगर आपको भी इस चीज़ का डाउट हो, आप भी चीज़ के बारे में जानना चाहते हो, तो इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखना, क्योंकि आपके सामने सारा कुछ, देखो यहाँ पर मैंने सारा सामान ले रखा है, स्पीकर भी ले रखा, मतलब स्पीकर का चुंबक भी ले रखा है, एक बल्ब भी ले रखा है, और एक होल्डर भी ले रखा है, और एक यहाँ पर वायर भी रखा। तो सारा का सारा सिस्टम आपके सामने करके दिखाने वाला हूं कि आखिर ये चीज सच है या फिर ऐसी, मतलब कुछ ना कुछ चीटिंग करके जलाते हैं, ठीक है। तो चलो यहां पर आपके सामने सारा कुछ करके दिखा देता हूं कि आखिर ये वर्क करता है या फिर नहीं करता है। तो सबसे पहले स्पीकर में आप देख सकते हो, यहां पर जहां पर स्पीकर में कनेक्शन करना होता है, तो एक वायर लेकर के सिंपल से आपको कुछ इस तरीके से दोनों एक एक पॉइंट इधर उधर से आपको जोड़ देना। चलो यहां पर मैं सबसे पहले इसको जोड़ देता हूं। यहां पर आप देख सकते हो स्पीकर के जो दो कनेक्शन के पॉइंट होते हैं ना, सिंपल से एक इस तरीके का मुड़ा हुआ वायर लेकर के सिंपल से यहां पर देखो जोड़ दिया, ठीक है। अब यहाँ पर आपको जो होल्डर में, सबसे पहले देखो यहाँ पर मैं बल्ब लगा देता हूँ। तो देखो यहाँ पर मैंने होल्डर में बल्ब लगा दिया है, और आपको चेक करके भी दिखा देता हूँ बल्ब की जलता है या फिर नहीं जलता है एक बार, ठीक है। उसके बाद आपको इसमें लगा करके दिखाता हूँ। चलो यहाँ पर मैं सबसे पहले बल्ब की चेकिंग करके दिखा देता हूँ। तो फाइनली आप देख सकते हो बल्ब यहाँ पर सही तरीके से वर्क कर रहा है, मतलब बल्ब बिल्कुल ठीक है। तो चलो यहाँ पर आप देखो इसका कैसे कनेक्शन करना होगा, ताकि किस तरीके से लोग जलाते हैं। सिंपल से देखो वही दोनों पॉइंट में आपको जहाँ पर आपने तार जोड़ा हुआ वहाँ पर सिंपल से आपको कुछ इस तरीके से लगा देना है, और यहाँ पर आप देख सकते हो बिल्कुल भी बल्ब नहीं जल रहा है। लेकिन आपने वीडियोज़ पर बहुत सारे देखा होगा उनका बल्ब जल जाता है, तो वो कुछ ना कुछ यहाँ पर चीटिंग करे रहते हैं। हो सकता है स्पीकर के अंदर से कुछ कनेक्शन करे रहते हों, कुछ ना कुछ करे रहते हैं, नहीं तो आपका बल्ब देखो यहाँ पर जलना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बिल्कुल भी बल्ब वर्क नहीं कर रहा है, मतलब जो इस तरह की वीडियोस बनाते हैं बिल्कुल का बिल्कुल फेक है, मतलब सही नहीं है, कुछ ना कुछ चीटिंग करके इसको जलाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो लाइव आपके सामने सारा कुछ करके दिखा दिया, तो बिल्कुल भी यहाँ पर वर्क नहीं कर रहा। चलो एक बार मैं और इधर उधर भी देखो यहाँ पर टच करके दिखा देता हूँ, फिर भी आप देख सकते हो कि बिल्कुल भी यहाँ पर एक भी करंट नहीं बन रहा, एक भी बल्ब नहीं जल। चलो देखो यहाँ पर आप भी देख सकते हो कि बड़ा बल्ब नहीं जल रहा, तो एक बार मैं आपके सामने छोटा वाला बल्ब जला करके दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पर एक RGB बल्ब है जो कि मात्र 1.5 वोल्ट का बल्ब है। चलो इसको भी आपके सामने देखो लगा करके दिखाता हूँ। तो इस पर भी आप देख सकते हो, इसको भी मैंने यहाँ पर कनेक्ट कर दिया, लेकिन ये भी बल्ब नहीं जल रहा। तो आप यहाँ पर खुश सोच सकते हो कि इतना छोटा सा बल्ब अगर नहीं जल रहा, 1.5 वोल्ट का बल्ब नहीं जल रहा, तो बताओ 100 वाट का बल्ब कहाँ से जलेगा, लाइट वाला बल्ब कहाँ से जलेगा, बिजली वाला बल्ब कहाँ से जलेगा। सो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि इस तरीके से जो भी आपको यहाँ पर वीडियो जो भी आपने देखा होगा वो सारा का सारा फेंक है। कुछ ना कुछ वहाँ पर जुगाड़ करके वो बल्ब जलाते हैं, कुछ ना कुछ कहीं से कनेक्शन करके जलाते हैं, और वहाँ पर आपको लगता है कि स्पीकर से जलता है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि इस तरीके से कोई भी बल्ब नहीं जल सकता, छोटा सा बल्ब नहीं जल रहा, तो बड़ा सा बल्ब कहाँ से जल सकता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आपको पता है कि मैं इस तरह के इंटरेस्टिंग और यूजफुल वीडियो कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ, कुछ ना कुछ सच्चाई यहाँ पर बताते रहता हूँ। चलो फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो पर कुछ अगले एक्सपेरिमेंट के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।